तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमदुबेर, आप देख रहे हैं हम फोटो एडिटिंग चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की रिंग लाइट फोटो एडिटिंग। अगर आप लोग को ऐसी एडिट करना है अपनी फोटो तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को अच्छे समझाऊंगा, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाले, तो वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, साइड के बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो फोटो एडिट करने के लिए इस बैकग्राउंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को कुछ इस टाइप के पोज में एक फोटो क्लिक करवा लेना है अपनी। आप लोग जो मतलब जो भी अच्छा लगता है ना आप लोगों को, वैसे आप लोग अपनी फोटो क्लिक करवा लीजिएगा, जो भी पोज अच्छा लगता है आप लोगों को। और फोटो क्लिक करवाने के बाद क्या करना है आप लोग को, इस बैकग्राउंड को यहाँ से शेयर कर लेना है अपने पिक्सार्ट ऐप में। और उसके बाद क्या करना है आप लोग को बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग पिक्सार्ट ऐप में चले जाते हैं। तो पिक्सार्ट ऐप में आने के बाद यहाँ टूल्स में जाके यहाँ पे रिसाइज में क्लिक करके आप लोग यहाँ पे रिसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 333 लिख देते हैं हम लोग। और यहाँ पे रिसाइज में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ यहाँ बता देता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डन कर लिया, यहाँ पे हमने रिसाइज कर लिए, तो ऐसा कर लिया करो आप लोग, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को ऐड फोटो में जाना है, और यहाँ पे आप लोग को अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। जो भी आप लोगों ने PNG बनाए होंगे उसे आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कहने कि आप लोग पहले से बैकग्राउंड इरेज करके रख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने पहले से करके रख लिया था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, कुछ इस टाइप से लगा लेना है अपने मॉडल को, और इस टाइप से आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ऐसा करने के बाद क्या करना है आप लोग को, आप लोग को अपने मॉडल में भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। तो कैसे करना है आप लोगों को, कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे करिएगा, यहाँ पे एडजस्ट में जाके। और एडजस्ट में जाने के बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आप लोग क्या है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या है ना कि बढ़ा ले रहा हूँ। और उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ सैचुरेशन है तो सैचुरेशन को यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग हाईलाइट्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे। और शैडोज़ को क्या करूँगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लिया हूँ मैंने। और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन। और उसके बाद यहाँ पे साइड साइड में मतलब छोटी छोटी लाइनें जाती है, उसे भी आप लोग यहाँ पे रेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ अपने मॉडल को ऐड यहाँ पे, ठीक है। ऐसा आप लोग को आराम से ऐड कर लेना है। और इसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग, एक काम और कर लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग जाइएगा इफेक्ट में, और इफेक्ट में जाने के बाद में क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का एफेक्ट्स में होएगा, तो आप लोग यहाँ पे जाइएगा अपने यहाँ पे कलर्स में, ठीक है। और उसका इस इफेक्ट को आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। और इसका अमाउंट कुछ इस टाइप से रखने के बाद यहाँ पे रेजर में जाइएगा, और यहाँ क्लियर ऑल करने के बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है और ऊपर के साइड में आप लोग को यहाँ पे इस टाइप से ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कुछ ऐसा आप लोग को ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ पे साइड साइड में भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा साइड साइड में ऐसे ड्रॉ कर लिया हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ डन। और यहाँ पे भी मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे कर लेने के बाद में यहाँ पे आप लोग को इरेजर में जाना है, और इरेजर में जाने के बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे रेज कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज करा हूँ, और यहाँ पे जो साइड में जो लाइनें जाती हैं ना उसे आप लोग यहाँ पे रेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कहना कि जल्दी जल्दी इसे रेज कर लेता हूँ। तो यार मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन। और डन करने के बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सिंपली डन कर लेता हूँ, ठीक है। इस टाइप से करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जाना है अपने टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग जाइएगा अपने एडजस्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट में जाइएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जाना है अपने इरेजर, यहाँ पे क्लियर ऑल करना है आप लोग को, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस टाइप से हार्डनेस में कम कर लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे साइज अपने अकॉर्डिंग करके यहाँ अपने बालों में थोड़ा सा। और उसके बाद क्या है ना कि एक इफेक्ट और आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे डॉच एंड बर्न, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आप लोग को बताया था, आप लोग उस टाइप से मतलब कर सकते हो। तो उस वीडियो को आप लोग को ऊपर में आई बटन में मैं वीडियो दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख के कर लीजिएगा उस टाइप से डॉच एंड बर्न। और उसके बाद में क्या करना है आप लोग को, कुछ इस टाइप से ऐसे मतलब ड्रॉ करते जाना है, मतलब जहाँ जहाँ आपकी जैसे ऊपर के साइड से लाइट आ रही है उस टाइप से आप लोग को देख के करते जाना है, ठीक है। वैसे आप लोग समझ गए होंगे। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है, और इस टाइप से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ों में भी आप लोग कर लीजिएगा, जिसमें मतलब अच्छे लगने लगेगा। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ डन। और डन करने के बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे भी डन कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को अपने टूल्स में जाना है, यहाँ पे रिसाइज में जाना है, और उसके बाद इसका जो है आप लोग को ब्राइटनेस को कम कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जाना है अपने इरेजर में, और इरेजर में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग क्लियर ऑल कीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, इस टाइप से ऐसे मतलब आप लोग कर लीजिएगा एडजस्ट, और इसके बाद में नीचे के साइड में ऐसे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ ऐसा लगेगा। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। और ऐसे आप लोगों ने क्या है ना कि इसकी ऑपेसिटी और कम कर सकते हो,
मतलब जो ब्राइटनेस है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया लगने लगी है यहाँ पे, और हम लोग और भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेंगे। तो उससे पहले तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे जो जो डॉट आ रहे हैं उनके भी यहाँ पे हटा देता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्लोन में जाके मैं इसे हटा लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप से आप लोग इसे हटा सकते हो, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हटाने के बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन, और ये हो चुका है हमारा काम। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं हम लोग अपने ड्रॉ टूल में, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद अपनी फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे अपने यहाँ से चले आएँगे अपने पिक्सार्ट ऐप में, सॉरी लाइट रूम ऐप में चले आएँगे, तो माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पर कहने एक छोटा सा कट लगा लेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे अपने लाइट रूम ऐप में। तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं अपनी फ़ोटो को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे अपने लाइट रूम ऐप में, तो आप लोगों से भी अच्छे से देखिएगा, उसमें भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है आप लोगों को। तो चलते हैं हम लोग अपने लाइट रूम ऐप में। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने लाइट रूम ऐप में, और यहाँ पे मैंने ओपन भी कर लिया हूँ अपनी फ़ोटो को यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है अपने इस आइकॉन में क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेना है। तो कुछ स्टेप से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे हाईलाइट्स को बढ़ा लिया हूँ। और उसके बाद क्या करूँगा, शैडोज़ को यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वाइट्स को बढ़ाऊँगा, और ब्लैक्स को करूँगा यहाँ पे मैं कम, ठीक है। इस टाइप से करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने इस आइकॉन में यहाँ पे, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मिक्स में क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे रेड का थोड़ा सा सैचुरेशन मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे लूमिनेंस को बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मतलब यहाँ पे जो चश्मा है हमारे मॉडल का वो थोड़ा सा मतलब और अच्छा लगने लगेगा। और उसके बाद आप लोग क्या है कि अगर आप लोग का फेस अगर वाइट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे ऑरेंज का कम कर सकते हो सैचुरेशन, और लूमिनेंस को बढ़ा सकते हो, पर यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग अपने जो भी कपड़े होंगे उस टाइप से आप लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लीजिएगा, जो भी आप लोग कपड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डन कर लेता हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है साइकोन में, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा लीजिएगा, और क्लियरिटी को भी बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। ऑडियंस को कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे विग्नेट इफेक्ट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है, पर ज़्यादा मत कीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है साइकोन में, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा शार्पनेसिंग बढ़ा लेना है। और यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे साइकोन में जाते हैं, यहाँ ग्रेन्स थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और बाकी सब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे फेदर बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया लग रही है, कुछ इस टाइप से थी यहाँ पे हमारी पिक्सार्ट ऐप में, और हमने मतलब थोड़ा सा रिटच कर रहे हैं, तो और भी बढ़िया यहाँ पे मतलब खिल रही है हमारी फोटो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग अपनी फोटो को एडिट कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और मुझे टैग कर दीजिएगा इस फोटो जो भी आप लोग फोटो एडिट करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी फोटो को सेव कर लेता हूँ, यहाँ शेयर में क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव टू डिवाइस में क्लिक करके यहाँ पे हमारी फोटो को सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था हमारा वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।